नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर खान स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ कार्ड में। हमेशा की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन लेके आया हूं, जिसके बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट होने वाले हैं, जो वाइड एंगल ऑफ सिम्टम्स यानी बहुत सारे सिम्टम्स को कवर करती है। आपको कहीं ना कहीं होम्योपैथिक प्रैक्टिस में मेडिसिन एज ए पेशेंट भी आपको इसका नाम सुनने में जरूर मिला होगा। तो अगर पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पुराने जो वीडियो हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बनाए हुए हैं, जाकर के उनको जरूर देखिए। उम्मीद करता हूँ उनमें कुछ ना कुछ आप लोगों के काम का जरूर मिलेगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है ओपियम पॉइजनिंग, यानी अफीम, जिसको हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, उसके ओवरडोज लेने की वजह से जो सिम्टम्स होता है, जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और उस परेशानियों के लिए हमको होम्योपैथी में कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो उसका रामबाण इलाज करे, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। ओपियम पॉइजनिंग एक ऐसी कंडीशन हो जाती है जिसमें पेशेंट की डेथ होने तक की भी समस्या आ जाती है। कई केस में देखा गया है कि ओपियम ओवरडोज की वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है। ओपियम ओवरडोज जाने अनजाने में पेशेंट ज़्यादा अफीम का सेवन कर लेता है और उसकी वजह से उसको बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, जिसमें सबसे बहुत मुख्य सिम्टम्स होते हैं कि उसको जो बॉडी होगी वो कोल्ड एंड क्लेमी, एकदम मिट्टी के जैसी ठंडी हो जाएगी, पसीना आएगा, उसकी पल्स इरेगुलर रहेगी, कभी तो पल्पिटेशन होगा, बहुत तेज धड़कन होगी, कभी बहुत लाइट और फीबल धड़कन होगी, उसके लिप्स जो है वो ब्लूइश कलर के हो जाएंगे, उसकी जो पेरिफेरी है वो ब्लूइश ब्लूइश कलर की हो जाएगी, मतलब हाथ और पैरों में ब्लूइशनेस आ जाती है, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में साइनोसिस की कंडीशन बोलते हैं। पेशेंट को ब्रीदिंग में डिफिकल्टी आएगी, पेशेंट को सांस लेने में डिफिकल्टी आएगी, पेशेंट फास्ट सांस लेगा और उसका ऑक्सीजन का लेवल गिरता जाएगा, पेशेंट को हेलुसिनेशन होगा, पेशेंट को एंजाइटी होगी और डर लगेगा, पेशेंट को कई बार ब्लड विजन की कंडीशन होगी, यानी उसको बराबर से नहीं दिखेगा, चलने में वो बराबर से अपने गेट यानी बैलेंस नहीं कर पाएगा। ऐसे बहुत सारे सिम्टम जो है वो ओपियम ओवरडोज की वजह से या फिर ओवरडोज होने की वजह से जो उसकी टॉक्सिसिटी होती है उसके इफेक्ट के रूप में अपने को देखने को मिलते हैं। कई बार पेशेंट कोमा की कंडीशन तक चला जाता है। ऐसी कंडीशन में जब पेशेंट अनकॉन्शियस या फिर सेमी कॉन्शियस या फिर उसका ब्रीथिंग पैटर्न सही नहीं होता है, सांस लेने में दिक्कत आती है, उसका ब्लड प्रेशर जो है बिल्कुल लो हो जाता है, उसकी पल्स रेट एकदम बिल्कुल फीबल नगण्य ना के बराबर हो जाती है, उसका जो बोलने का तरीका है वो सही नहीं होता है, बराबर से बोल नहीं पाता है, स्लरिंग ऑफ स्पीच होती है, ब्लड विजन होता है, उसको धुंधला धुंधला दिखाई देता है। ऐसी कंडीशन में हम होम्योपैथी की कौन सी मेडिसिन देंगे ताकि पेशेंट को ये सारे सिम्टम से जल्दी रिलीफ मिले और पेशेंट रिकवरी की तरफ बढ़े। तो ऐसी कंडीशन में होम्योपैथी में एक बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है जो बहुत सारे सिम्टम्स को कवर करती है, लेकिन ओपियम पॉइजनिंग की कंडीशन में, ओपियम टॉक्सिसिटी की कंडीशन में उस मेडिसिन का बहुत ही बड़ा योगदान है। मेडिसिन का नाम है बेलाडोना। बेलाडोना का आपको मदर टिंचर लेना है और ओपियम पॉइजनिंग की या ओपियम टॉक्सिसिटी की कंडीशन में आपको हर 2 से 3 घंटे में 3-3 बूंद पेशेंट को देते रहना है। 2 या 3 चम्मच गुनगुने पानी में हर 2 या 3 घंटे में 3-3 बूंद उसको देते रहना है, जब तक कि पेशेंट को रिलीफ नहीं हो, उसके सिम्टम जो है वो सबसाइड नहीं हो जाए, जो सिम्टम धीरे धीरे कम होते जाएंगे, उसकी रिकवरी की कंडीशन आती जाएगी। थोड़ा सा अगर पेशेंट रिकवरी की तरफ बढ़े उसके बाद में उसको फ्रूट देना चाहिए, ओरली उसको पानी पिलाए ताकि उसका हाइड्रेशन मेंटेन हो सके और धीरे धीरे करके पेशेंट जो है वो रिकवरी की कंडीशन तक पहुंच जाए। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि ये एक ऐसी मेडिसिन है और एक ऐसी डिजीज या ऐसी कंडीशन के बारे में आज हमने इस मेडिसिन को डिस्कस किया है, जो अपने आसपास में
कहीं ना कहीं ये कंडीशन हमने को देखने को मिल जाती है कि पेशेंट ओपियम का ओवरडोज कर लेता है और उसको उसके ओवरडोज के सिम्टम्स ओपियम पॉइजनिंग या फिर ओपियम टॉक्सिसिटी के रूप में देखने को मिलते हैं। ऐसी कंडीशन में कई लोगों के पास मेडिसिन नहीं होती अवेलेबल, तो प्राइमरी मेडिसिन के रूप में आप उनको बेलाडोना मदर टिंचर हर 2 से 3 घंटे में 3-3 बूंद 2 या 3 चम्मच गुनगुने पानी में दे सकते हैं। आप उसके बाद में आपके पास प्रायर टाइम रहेगा जिसके अकॉर्डिंग आप अगला स्टेप ले सकते हैं, आप उसको अच्छे हॉस्पिटल तक पहुँचा सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। इस मेडिसिन का अगर आपके कहीं आसपास में अगर ऐसा केस आपको देखने को मिले तो इस मेडिसिन का जरूर यूज करें, और आपने अगर कहीं ना कहीं इस मेडिसिन को यूज किया है तो इसके रिजल्ट कैसे मिलते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों विदा चाहते हैं, मिलते हैं अगले बहुत बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।